अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी। आज मेरा विज़िट होने लगा है सेक्टर 5 का, ओवरसीज इनक्लेव बहरिया ग्रीन्स, बहरिया फेज़ 8 रावलपिंडी का। सेक्टर 2, 3 एंड 4 एंड 6 का एंड 7 का मैंने विज़िट पहले कर चुका हूँ और मेरी वीडियोस भी आपने देख चुकी होंगी। ये सेक्टर 5 रिमेनिंग था जिसका मेरा आज इत्तेफाक हुआ विज़िट करने का, तो मैंने सोचा इसको अब मैं थरोली अंदर से एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ कैसा डेवलप हुआ है। ये सेक्टर जो है सेक्टर 5 है, बिल्कुल बहरिया एक्सप्रेस वे के ऊपर आता है और सेक्टर 6 के सामने आता है। इस सेक्टर को दो रोड्स मेन टच होती हैं, एक बहरिया एक्सप्रेस वे जिसे हम मिडिल रिंग रोड कहते हैं और दूसरी इसको टच होती है लेक व्यू रोड जो कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ी है। ये सेक्टर जो है सेक्टर 5 जो है ये सेक्टर 4 के साथ भी कनेक्टेड है और सेक्टर 4 की भी जो एंट्रेंस है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाती है सेक्टर 5 के साथ, और इसकी अलहदा से भी दो तीन एंट्रेंस हैं इस सेक्टर में। तो ये सेक्टर बहरी ओवरसीज़ जो सेक्टर्स हैं बाकी उनसे काफ़ी डिफरेंट बना हुआ है और काफ़ी बेहतर है और काफ़ी बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर में सारी कैटेगरीज हैं, इसमें 25-50 प्रॉपर 5 मरला प्लॉट्स भी हैं, फिर 35-70 भी हैं और कनाल के भी 50-90 साइज़ के प्लॉट्स यहाँ पे मौजूद हैं। घरों की तामीर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इस सेक्टर में। इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल भी है और प्लाजे भी खड़े हैं इस सेक्टर में, और जो छोटे प्लाट हैं 25-50 के उनके साथ मस्जिद, पार्क और छोटा सा कमर्शियल अलहदा से भी दिया गया है। तो रहने के हिसाब से ये बेहतर सेक्टर है बाकी सेक्टर की निस्बत ओवरसीज इनक्लेव के। 10 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो लेक व्यू के रोड के ऊपर आते हैं सारे, और बहरिया एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है वो कनाल और 5 मरले के प्लॉट्स आते हैं। तो अगर एवरेज प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त 5 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 50 लाख एवरेज है। एवरेज मैं इसलिए बताता हूँ कि एवरेज के बाद क्योंकि आप 6 महीने बाद साल बाद वीडियो देखते हैं तो आपको उस वक्त अंदाज़ा होता है कि प्लॉट की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताता करंट, मैं आपको जस्ट एवरेज बताता हूँ। इस एवरेज प्राइस के ऊपर भी प्लॉट होते हैं और एवरेज से नीचे भी प्लॉट होते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 50-55 लाख ये एवरेज 55 लाख की एवरेज रेट है यहाँ पर 5 मरले का। तो यकीनन जो कॉर्नर के प्लॉट होंगे, थोड़े अच्छे प्लॉट होंगे, वो 55 से ऊपर भी होंगे और 55 से नीचे भी होंगे। और अगर 10 मरले की बात की जाए तो वो करोड़ से ऊपर हैं, मतलब 1 करोड़ 10 लाख एवरेज रेट है यहाँ पे, और इससे ऊपर भी प्लाट हो सकते हैं, इससे नीचे भी हो सकते हैं। और कनाल के यहाँ पे मिनिमम जो रेट चल रहा है वो 1.5 करोड़ है और काफ़ी महंगे प्लाट्स हैं यहाँ पे कनाल के। लेवल एरिया नहीं है सारा, थोड़ी सी बीच में पहाड़ियाँ भी आती हैं, ऊँचे प्लाट्स भी हैं और डेप्थ में भी प्लॉट्स बने हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है बहरिया टाउन का सारा पहाड़ी इलाका है फेज़ 8 का, तो कोई भी सेक्टर सिवाय सेक्टर 6 के कोई भी लेवल सेक्टर नहीं मिलता आपको प्रॉपर, जहाँ पे आपको बिल्कुल लेवल ग्राउंड मिलता है। तो ज़्यादातर प्लॉट जो है वो बेसमेंट वाले प्लॉट हैं, डिप्रेशन वाले प्लॉट्स भी हैं यहाँ पर, चंद प्लॉट आपको बहुत कम लेवल प्लॉट आपको मिलते हैं। जैसा कि आपने बहरिया फेज़ 8 की मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, बहरिया टाउन को दरख्तों से और ग्रीनरी से कोई ख़ास लगाव नहीं है और आपको बहुत कम यहाँ पे दरख्त नज़र आते हैं किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं। दरख्तों की जो चॉइस है इनकी वो इतनी अच्छी भी नहीं है। ग्रीनरी के हिसाब से पूरा फेज़ 8 जो है वो समझें कि इतना खूबसूरत नहीं लगता ग्रीनरी ना होने की वजह से। बहरहाल इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहरिया टाउन का, रोड्स और सारा रोड नेटवर्क और मेंटेनेंस, सफाई सुथराई ये काफ़ी अच्छी करते हैं, जिस वजह से इसका एक अपना मेयार है, लोग भी ये चीज़ देखते हैं। पार्कों की शदीद कमी है पूरे बहरिया फेज़ 8 में। अगर आप प्रॉपर विजिट करें पूरे बहरिया फेज़ 8 को, हत्ता कि लैंड देखा जाए तो लैंड बहुत बड़ा लैंड है लेकिन इसमें बड़े पार्क्स और बड़े एरियाज़ बहुत कम दिए गए हैं पूरे फेज़ 8 में। बहरहाल चॉइस आपकी होती है, पैसा आपका है, आप अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट करते हैं बहरिया टाउन में। और बहरिया टाउन जारी सी बात है, आप बाकी सोसाइटीज़ को अगर आप कंपेयर करें
तो बेरी टाउन के साथ की तो कोई सोसाइटी नहीं है लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। हमारा रहने के लिए अच्छी जगह है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है। अगर आप रहना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी लोकेशन बनती है ये बैरियर फेज 8 की। बहरहाल जी, ये विजिट था सेक्टर 5 का। मीन मैंने आप वीडियो देखे, मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।